थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी, देखो प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो आई थिंक छोटी से लेके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं सबकी ज़िंदगी में, लेकिन जहाँ तक हमें रियलाइज़ हुआ, मैं कश्मीर की औरतों के बारे में नहीं कह सकता, उनके लोगों के बारे में नहीं कह सकता, बिकॉज़ मैं वहाँ उनके साथ जी नहीं रहा, बट जो भी हमें न्यूज़ में पता चलता है, आप लोग जैसे यू नो एक्सप्लोर कर देते हो न्यूज़ को, वट एवर इज़ हैपनिंग यू नो, मतलब एक अभी वक्त आ चुका है जहाँ पे है ना, आई थिंक पीपल आर टेकिंग देयर ओन स्टैंड, वो बहुत ज़रूरी है यू नो, जो ब्लैक है जो वाइट है उसको वैसे ही दिखाया जाए, यू नो न्यूज़ बना के ये सारी चीज़ें करके कुछ नहीं होता। लेकिन हमें प्रॉब्लम आई थी जब हमें कश्मीर का स्केड्यूल करना था, तो जो भी हालात थे उस टाइम पे, बॉम्ब ब्लास्ट हो गए यू नो, तीर्थ यात्रा पे लोग जा रहे हैं, तो ऐसे मतलब बच्चे थे वहाँ यार, छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, यू नो इट इज़ रिडिक्यूलस। और मुझे नहीं लगता कि जिसका, अगर आप किसी भी है ना मज़हब की बात करें, ये सारी चीज़ें मुझे तो समझ नहीं आता। अगर मैं अपने आमने सामने देखता हूँ तो मेरे मुसलमान दोस्त हैं वो इतना प्यार करते हैं मुझसे, मैं उतना प्यार करता हूँ उनके रिलीजन की, रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे पारसी दोस्त हैं यू नो, कैथलिक्स हैं यू नो, जिनके साथ मेरा इतना उठना बैठना है। तो आई डोंट बिलीव, आप पहले एक इंसान बन जाओ फिर हम लोग ना मज़हब की बातें करेंगे। लोगों को इतनी जल्दी समझ आ जाएगा, मुझे लगता है एजुकेशन सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, हमें शूट नहीं करना पड़ा, हमें हमारी सिक्योरिटी इंक्रीज़ कर दी गई, हमें है ना इतना मतलब हमें स्केड्यूल कम करना पड़ा था, और हम किसकी कहानी दिखा रहे हैं इधर, लोगों की कहानी दिखा रहे हैं यू नो, लोगों की सपोर्ट है, पर ये बाकी सारे लोग जो आ जाते हैं ना, इट्स नॉट गुड। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई डोंट, हक से की अगर बात करें तो जाहिर है कि ये एक अडेप्टेशन है बुक की, उसको हम लोगों ने थोड़ा सा इंस्पायर कर दिया है, मतलब इन द सेंस दैट इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक द बुक, ताकि और इंटरेस्टिंग और एक इंडियन ऑडियंस के लिए बने। तो चार लड़कियों की कहानी है, वो अलग अलग है ना मीडियम्स में जाना चाहती हैं, कोई म्यूजिशियन बनना चाहती है, कोई और फिर जाके जहाँ मेरे किरदार की, जब आप देखेंगे कि हाँ डिलिब्रेटली मुझे ट्रेलर के बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है, क्योंकि अभी मैं वेब सीरीज़ कर चुका हूँ, एक फॉलोइंग है, तो उनको सो दैट दे स्टार्ट वॉचिंग दैट ट्विस्ट एंड टर्न, क्योंकि इतने सारे किरदार हैं, एक एक को इस्टेब्लिश करने को इतना टाइम लग जाता है, तो सही टाइम पे जब सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आता है पूरी स्टोरी में, तब जाके मेरे किरदार की एंट्री होती है। एक डॉक्यूमेंटेरियन है यू नो, जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में स्पेशलाइज करता है, जितने भी लोग हैं जो कैमरा के पीछे रहते हैं वो रियलाइज़ करते हैं, आप भी रियलाइज़ करेंगे कि इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू गेट रिलेटिव न्यूज़ आउट। एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं सच कहानी, क्योंकि अगर आप जर्नलिस्ट बन के जाओगे तो आप बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं जो शायद आपको रोकने की कोशिश करें, लेकिन एज ए डॉक्यूमेंटेरियन क्या होता है कि आप सच को सच की तरह दिखा सकते हो या अपनी एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन बना सकते हो। तो उस मकसद से ये जाता है, फिर जाके जो मिर्ज़ा सिस्टर्स हैं उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो बहुत इंटरेस्टिंगली केन घोष ने डायरेक्ट किया उसे। हाँ जी जी जी, देखिए हम लोगों ने बहुत सारे पैचेस किए हैं ऑल ओवर, सिर्फ कश्मीर का ही नहीं है यू नो, मनाली में भी कुछ किया है कि जैसे कहा था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही थी, लेकिन जितनी भी लाइव लोकेशंस होती है ना, आप है ना स्टूडियो सेटअप है वीएफएक्स में, आजकल आई नो के यू नो बाहुबली जैसी पिक्चरें बन जाती हैं, लोगों लगता ही नहीं है कि ये कोई और ही दुनिया है, बट एक लाइव लोकेशन होती है ना, जैसे अगर आप कोई ट्री को दिखाएंगे जो इतने सालों पुराना ट्री होगा वो वैसे ही लगेगा, आप उसको जितना भी आप वीएफएक्स से करोगे इट वोंट बी एज ऑर्गेनिक। तो केन घोषी इतनी ही, क्योंकि एक रियल कहानी है, सब कुछ रियल होना चाहिए, कपड़े वेशभूषा यू नो, कश्मीरी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किए उन्होंने कि जो कश्मीरी कैरेक्टर लगे यू नो, डॉक्यूमेंटेरियन लगे। मुझे ये चश्मा दे दिया है यू नो, तो दिस वन ऑफ माय, मैं क्या करता हूँ, मेरा सिंपल सा फंडा है, जो भी मेरी शूट होती है, जो भी फिल्म की हो वेब सीरीज़ की हो, तो एक चीज़ जो मेरी फेवरेट होती है, जो मेरे किरदार को इस्टेब्लिश करती है, वो मैं ले लेता हूँ। इसके अलावा
हाँ जी आंखें टू के लिए बहुत इनिशियल है सर, तो अभी कुछ खास मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि प्रोड्यूसर से परमिशन नहीं है, बट यस समथिंग वेरी एक्साइटिंग कमिंग अप फॉर एवरीवन। फिलहाल तो मैं दूसरी फिल्म कर रहा हूँ अपनी, टोनी डिसूजा की प्रोडक्शन है जिनके साथ मैंने अजहर भी की थी, तो वहाँ पे सनी देओल के साथ हमारे सीन होने वाले हैं, सो उसके लिए नेक्स्ट वीक के लिए मेरी प्रेपरेशन है, तो काफ़ी एक्साइटेड है। एक्शन थ्रिलर है एंड सनी देओल को जैसे लोगों ने आज तक देखा है, बिकॉज टोनी डिसूजा, बेजा खम्बाटा, दीज गाइज आर लाइक वेरी इंटरनेशनल, तो बड़ी इंटरनेशनल सी लुक दी है और बहुत रेलेवेंट कहानी है 36 घंटों की, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ब्रिलियंट। उसके लिए बिजी हो तो उसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे। देखो मेरी ऑडियंस है, मुझे इतना प्यार करती है, वो तो मेरे लिए कहीं भी देखने को तैयार है। मुझे मालूम है एक ऐसा मीडियम है अभी आपके पास जहाँ आपको है ना ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, बट इट्स जस्ट लाइक इन Uber or Ola, you know, is but at the same time it entertains you, you know. AltBalaji का इतना अच्छा कंटेंट है, मेरे दोस्त राजकुमार का एक शो था बोज, इतना अप्रिशिएट किया लोगों ने, यू नो हम लोगों ने फिल्म भी साथ में की है, तो ऑल ऑफ अस आर जस्ट कमिंग बैक टू दिस मीडियम क्योंकि इसमें आपको एक लिबर्टी मिल जाती है, सो रियल स्टोरीज और इम्पैक्टफुल स्टोरीज है, क्योंकि मैं वेब सीरीज़ कर चुका हूँ तो मुझे मालूम है कि यू कैन नॉट लाई, यू कैन ब्लफ द ऑडियंस, तो जो कहानी है आपको एक ही दिन में पता लग जाएगा, आपको फ्राइडे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो मेरी ऑडियंस को यही विनती है, मेरी तमन्ना है कि प्लीज़ मुझे अपना लव देते रहिए जैसे आप देते रहे, एंड दैट्स इट। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको अच्छा लगा? थैंक यू फर्स्टली। मतलब मुझे, मैं यही कहना चाहूँगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी। बहुत मेहनत से बना है शो, बहुत प्यारा शो है, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी लाफ्स हैं, एंड सब लोग ये कहते हैं कि थोड़ा डिफरेंट है, बट डिफरेंट है क्योंकि ऐसा वेब सीरीज़ जोन में आज तक नहीं हुआ है, एंड इट्स ब्यूटिफुली शॉट, द परफॉर्मेंसेज आर ब्रिलियंट, दीज गर्ल्स हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, ही सपोर्टेड अस, थैंक यू एंड या हक से इसी बारे में है कि आप अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना चाहते हैं, टू क्लेम योर ओन लाइफ चॉइसेस, इसीलिए हक से है। आप भी अपनी जैसे आप चाहते हैं कि आप जिस तरह जीना चाहते हैं आप, सो वही उसको क्लेम करने के लिए। हाँ जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड लाइक आई जस्ट वांट टू से दैट हक से इज़ ऑब्वियसली कि हम कश्मीर में हैं, ये कहानियाँ कहानी कश्मीर में बेस्ड है, ये लड़कियाँ कश्मीर में बेस्ड है, बट इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एवरी पर्सन हु इज़ जो अपनी आम जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, जो एक मुकाम पे पहुँचना चाहता है, एंड वट एवर दैट पर्सन गोज थ्रू विल रिलेट टू हक से, एंड उसका जो भी थीम है, एंड मे बी आई होप वी कैन मे बी इंस्पायर देम टू डील विद दीज स्ट्रगल्स, एंड ये सीख दें कि रुकना ज़रूरी नहीं है, आप चलते जाएं। तुम्हारी हिंदी कितनी अच्छी हो गई, मुकाम मुकाम तुम यूज़ कर रही हो, क्या बात है। अरे इन्होंने इतनी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर दिया है हक से क्या इनके लिए मायने रखता है। फॉर मी हक से इज दीज beautiful little women trying to fight with the day-to-day struggle, और एक तरह से जो मेरा किरदार है उसका यही हक से है कि वो सोसाइटी में हाउ वेमेन आर फाइटिंग फॉर देयर आइडेंटिटी, उसी तरह से कश्मीर अपनी आइडेंटिटी के लिए फाइट कर रहा है, एंड दैट इज़ हक से। चौथी सिस्टर आज नहीं है, मिसिंग है निकिशा भी, मिसिंग निकिशा नहीं है, वो कनाडा में है और जल्द वापस आएगी, एंड वी रियली मिस हर, बाय, हाय हाय निकिशा, आ जाओ जल्दी, हां जी जल्दी आ रही है, जल्दी आ जाएगी। ऐसी कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी चारों सिस्टर जो कि एक दूसरे से नफरत करते थे, ये लोग
नफरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. ये बहुत ही वियर्ड आंसर है इनका. आप शो के बारे में पूछ रहे हैं ना. सो एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ऑब्वियसली बहनों में तो डिफरेंट है और कैरेक्टर्स भी इतने डिफरेंट हैं. सो इनका जो कैरेक्टर है इन अ वे सॉर्ट ऑफ गेट्स ऑल ऑफ अस टुगेदर. हम सबको साथ में रखता था क्योंकि हम सबकी लाइफ की अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होती थी वो ये हमको बांध के रखती थी. और बहनें हैं, बहनों में तो लड़ाई होती है तो वो तो होगी, तो वो है. बट नहीं, द होल क्रू वॉज वेरी पूरे एवरी ऑल एक्टर्स द होल क्रू बॉन्डेड रियली वेल. बहुत मज़ा आया हम लोगों को क्योंकि हमने मस्ती ज़्यादा करी, शूट कम किया मेरे ख्याल से. तो मस्ती करते करते शूट हो गया. अच्छा, तुमने ज़्यादा शूट किया? मैं 28 दिन शूट कर रही थी, 30 दिन के. मैं रोज़ सुबह उठ रही थी और मैं थकी हुई थी. सुबह हम भी उठते थे, ऐसा नहीं है. हम भी थकते थे पर हमने बहुत मैंने तो बहुत मस्ती की क्योंकि हम एक हमारा एक टेक में हो जाता था. हाँ, मुझे बहुत टेक लगते थे इसलिए मैंने 28 दिन काम किया. अरे तभी तो ट्रिप्स हो रही हैं मेरी. हॉलीडे खत्म नहीं हो रहा इनका. हम कश्मीर नहीं गए थे पर आप नॉर्थ हमने शूट किया था. हमने मनाली में शूट किया था और बहुत ठंड थी. और मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है. और मैं तो बॉम्बे की हूँ और बॉम्बे में ठंड लगती है. मुझे तो बॉम्बे में ठंड लग जाती है मतलब. नहीं पर मुझे ठंड बिल्कुल. मैं दिल्ली से हूँ पर मुझे ठंड बर्दाश्त हो जाती है. तुम्हारी स्किन तो वैसी अच्छी है. वाटर वाज वेरी गुड, फूड वाज वेरी गुड और मुझे भी कोई कोल्ड का थ्रेशहोल्ड नहीं है. सो आई वुड बी ऑलवेज या सो लकीली वो गर्म कपड़े जब बॉम्बे पहनने पड़ते थे तो बहुत पसीना निकलता. मनाली में मज़ा आ गया था बिकॉज कश्मीरी कैरेक्टर थे तो ऑलवेज वी वर गिवन बिग जैकेट्स एंड वूलन स्टफ. तो वहाँ पे वो हेल्प किया था हमें काफ़ी हद तक. फैशन तुम्हारा फैशन से बिग पार्ट. हाँ जी. ओके, तो एकता जी का क्या रिस्पॉन्स था? क्योंकि आप तो बहुत करीब हैं. आपको एकता जी का रिस्पॉन्स शो के लिए टचवुड अभी तक बहुत अच्छा रहा है. वो बहुत पसंद कर रही हैं शो को और इसलिए हम इसके इतने प्रमोशंस भी कर रहे हैं और आगे भी अच्छा ही रहेगा. एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट्स इट. अपना ओपिनियन वॉइस करने के लिए किसी को सोचना नहीं चाहिए आप कि वो ऑफेंड हो जाएगा, ये ऑफेंड हो जाएगा. आपको नहीं अग्री होता तो ठीक है, मत सुनिए. यू कैन आर्ग्यू विद मी बट यू कैन फाइट विद मी, यू कैन टेल मी टू शट अप. हक से आपको हक से के सारे एपिसोड्स फर्स्ट डे में बिंज वॉच करने चाहिए. ऑलराइट, आई शुड सेड दैट. दैट्स अ रियली गुड आंसर. सभी के आंसर इनका तो अभी देखना. नहीं, आई जस्ट वांट टू से दैट इक्वल राइट्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. जस्ट बिकॉज यू आर अ वुमेन डजंट अलाउ यू टू यूज दैट टू योर डिफेंस इन सिचुएशंस दैट यू आर रॉन्ग. एंड दैट इज व्हाट फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. जैसा आप ट्रीट करते हैं लोगों को, आपको भी लोग वैसा ही ट्रीट करेंगे. तो अच्छा काम करें. कर्मा इज अ पीप. सो मासी का सॉन्ग है कर्मा इज द शोर ऑफ द सिटी. बट हाँ, वॉच हक से दिस फेब्रुअरी ऑन द ऑल्ट बालाजी ऐप एंड यू गोना लव इट. 20 एपिसोड्स. 20 आएंगे कि कितने? 20 आएंगे. 20 फर्स्ट 10 एपिसोड्स आ रहे हैं. अब मुझे नहीं, हम थोड़े कंफ्यूज हैं. वो हमारे डायरेक्टर आपको बता देंगे. बट फेब्रुअरी में जस्ट डाउनलोड ऑल्ट ऐप एंड देन सब्सक्राइब एंड वॉच आवर शो. तो लोगों को ये ईज़ मिलेगी इसे देख के. और काफ़ी आप इसलिए देखना, अगर आप बजट में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप देखना हक से. बजट से? बजट नहीं, मुझे मेरे शो के बजट से उम्मीद है. हमें शो नहीं है, मेरे को तो कोई नहीं है. मेरे को यही है कि आप हमारा शो देखना ना, बाकी सब होता रहेगा साइड में. हाँ, अपने आपका घर सिनेमा घर देखना है तो आप हम सबको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. हमारे हैंडल्स आप पोस्ट कर देंगे. दैट्स ऑल एंड देन वी विल कीप अपडेटिंग अबाउट द शो. थैंक यू. प्लीज वॉच अ शो एंड जस्ट गिव इट अ ट्राई. आई एम श्योर यू गाइस आर गोना लव इट. वॉच द ट्रेलर, वॉच द फर्स्ट एपिसोड. आई एम श्योर यू गोना लव इट.
बहुत ज़्यादा मेहनत की हम सब ने, बहुत मज़े आए हैं हमें, एंड आई होप कि आप सबको हमारी मेहनत पसंद आए और आप बहुत 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 प्यार दें हमारे शो को. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड गुड लक. थैंक यू, थैंक यू. कॉन्ग्रेचुलेशन हक से. थैंक यू. ये जितना जितना मेरा नॉलेज है, ये एक रियल ट्रूथ स्टोरी है. नहीं नहीं, और इसका एडॉप्शन बुक के ऊपर पर एडॉप्शन, तो वो बुक ट्रू स्टोरी नहीं है. इट्स अ फिक्शन बुक जो 19th century में लिखा गया था, सेट इन अमेरिका अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर. तो कुछ क्योंकि अब आप उसे कई सारे सीरीज में ला रहे हैं आप, तो कितना कुछ प्रेशर होगा आपको क्योंकि जिस तरह से बुक में है उस तरह से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं. एक लूस अडेप्टेशन है. वैसे यू हैव टू मेक, जब आप अडेप्ट करते हो किसी बुक को तो यू हैव टू मेक इट रिलेटेबल, बिकॉज अगर लिटिल वीमेन पीपल वॉच इन इंडिया दे विल नॉट लाइक इट प्रॉबली, यू नो. तो दिस हैड टू बी अडेप्टेड टू द इंडियन टेस्ट एंड इट वॉज डन ब्यूटिफुली बाई एकता एंड हर टीम एट ऑल्ट बालाजी. एक जब आप सेट पे होते हैं और आपका स्क्रिप्ट अच्छा है और योर एक्टिंग एक्टर्स आर ऑल्सो गुड, तो फिर बहुत ही आसान होता है टू डायरेक्ट इट, बिकॉज मेरे हिसाब से 50% जो बैटल होता है वो स्क्रिप्ट पे होता है. तो अगर स्क्रिप्ट अच्छा है तो बाकी सब कुछ ईजी होता है. सर, इस बार सिनेमा घरों में नहीं बल्कि ये फिल्म जो है एक ऐप पर आई है, तो ये डिफरेंट होगा आपके लिए भी? कितना अच्छा नहीं, एक्चुअली तो ऑल्ट बालाजी के लिए ये मेरा दूसरा शो है. इससे पहले मैंने देव डीडी जो फर्स्ट 5 शोज थे, लॉन्च शोज, उसका सीजन 1 किया था. तो अभी एक है फॉर्मेट, एक टेक्निक होता है टू शूट, आई मीन टू मेक वेब सीरीज विच एकता हैज़ मास्टर्ड. तो आई थिंक अभी भी इट्स द नंबर 1 कंटेंट ऐप गूगल पे, गूगल प्ले पे. सो विच टेल्स यू के लोग आ रहे देखने एंड पीपल आर वॉचिंग ऑल्ट बालाजी. और एकता जी का क्या रिस्पॉन्स रहा? हमने ट्रेलर देखा, ऑसम है. जब ट्रेलर आया या एकता जी का क्या रिस्पॉन्स था हक से को लेकर? तो इट हर रिस्पॉन्स इज वेरी गुड. यू सॉ इट यस्टरडे व्हेन शी launched the trailer. I think she's very proud of the show and we all are very proud of it. Or I hope ke people ko bhi, people also like it. Yes, yes, people are appreciating or लोग आ रहे देखने. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप और भी अच्छा कंटेंट दे ताकि दे स्टे ऑन द ऐप. एक होता है लोगों को लाना ऐप पे, और सेकेंडली होता है कि टू कीप देम स्टेइंग देयर, के चलो नेक्स्ट मंथ ये रिलीज़ होगा, फिर उसके बाद ये रिलीज़ होगा. सो यू हैव दैट साइकिल टू कीप वांटिंग पीपल टू कम एंड स्टे. आई होप के जनरली होता है कि लास्ट ईयर बिफोर इलेक्शंस, तो इलेक्शन के पहले जो बजट होता है वो इट बिकम्स अ वेरी अ बजट विच इज़ वेरी इलेक्शन फ्रेंडली बजट. आई होप मिस्टर जेटली आर फाइनेंस मिनिस्टर एंड मोदी जी keep the country in mind, and I will not pretend to be any expert on economics, so I will not know what to say, but I hope they keep the country in mind. Yes. अच्छा लगा आप लोगों को? कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई लड़कियों के बीच में. हमने तो ट्रेलर में देखा था.
अच्छा, लड़कियों की के बीच में नहीं आई लड़ाई नहीं, अमल एंड जन्नत फाइट ना, दे पुल ईच अदर, वो तो मतलब बहनों के बीच सिबलिंग वॉर है, वो तो मतलब चलता है, बट इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी. आई थिंक बहुत ही खूबसूरत कहानी है. कैन ने उम्मीदों से भी ऊपर की खूबसूरती से एग्जीक्यूट करी है. अनुभव बंसल जो यहाँ पर नहीं है, उनकी वजह से आप जो स्टनिंग विजुअल्स देख रहे हैं, आई मीन हैट्स ऑफ, ही इज़ डन सच अ फैब जॉब एंड इज़ लुकिंग द वे इट्स लुकिंग बिकॉज ही इज़ सो सो गुड एट इट. रेणुका एंड देविका जिन्होंने कहानी लिखी है, यू नो ऑल क्रेडिट गोज टू देम इज़ वेल. क्योंकि केन ने मुझे जब फ़ोन किया इसके लिए, अरे भाई चुप कर जाओ थोड़ा सा. ओ अच्छा, बानो, मेक सम नॉइज मैन, बानो मेक सम नॉइज. सो केन ने ना मुझे चार एपिसोड भेजे सिर्फ. नहीं नहीं, फर्स्ट आई सेंट यू टू. हाँ सॉरी, ही टोल्ड मी कि ऐसे ऐसे वी डूइंग अ डिजिटल शो. And I said okay. And I knew Ken had directed Dev Double D. So what is he throwing at me? Is he throwing some sex at me? No, just joking. So I was so taken aback by what I read in the first two episodes. And then maine Ken ko kaha ki Ken aap send me more. He by chance sent me only two more episodes. So, maine actually khali four episodes padhe the. And isko kehte hai 1 2 ka 4 yeah, yeah, 2 ka 1. He was so smart. He knew four episodes tak I'll be in. Ladki in. So, maine four episodes padhe and I was so moved by how well the script was written. And I said, Ken, I'm on. I didn't need to read any further. Maine puri kahani hi nahi padhi thi. Wo to readings mein baad mein jaake padhi. So I think it's been a beautiful script for all of us to be a part of. The characters are etched individually so beautifully and how they intertwine is so beautifully done. Matlab khoobsurat ke alawa mere paas aur koi shabd nahi hai bolne ke liye. And I think, I hope आप लोगों को ट्रेलर देख के यही महसूस हुआ होगा. एंड आई रियली होप जब आप शो देखेंगे तब भी आप यही और इससे कहीं ज़्यादा महसूस करेंगे अबाउट इट. जैसे कि डिफरेंशिएशन एज इन यू मीन दे लुक डाउन अपॉन इट कि अरे ये डिजिटल है. द पॉइंट इज दैट No, that even in Hollywood, the big stars... Big stars, no, in fact, log digital karke aage badhe hain. Correct. It gives them that kind of exposure. They've done that kind of content which may be shayad filmon ke liye feasible na ho, wo content. To jab wo digital pe aata hai, unki reach zyada hoti hai, is tarike ke kirdaar likhe jate hain, shayad filmon mein na likhe ja sakte ho. Digital mein unko wo ek zariya milta hai, वैसे किरदार करने का. एंड वंस यू गेट, यू नो व्हाट, इट्स एनी एक्टर, वंस यू गेट दैट वन राइट रोल, यू कैन बी पिक्ड अप फ्रॉम वॉट एवर मीडियम इट इज. इट डज नॉट मैटर, इट कुड बी टेलीविजन, इट कुड बी डिजिटल, इट कुड बी थिएटर. इट इज दैट वन राइट रोल दैट कैन जस्ट टेक यू टू नेक्स्ट लेवल. सो आप जिन हॉलीवुड एक्टर्स की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट नॉट जस्ट डिजिटल, मोस्ट ऑफ देम उन्होंने अपनी जर्नीज टेलीविजन से शुरू करी हैं. एंड टुडे इवन इन द वेस्ट, जॉर्ज क्लूनी स्टार्टेड विद, दे आर बिगर देन द फिल्म स्टार्स, जस्ट सो यू नो. ऑफ कोर्स देयर इज सो मच स्कोप. There is so much scope, I think, and I would like to give it to AltBalaji because they're the only Indian, original Indian platform. Correct. Jo ye cheez karna chahte hain, for example, to name a few, there is Netflix, it is not Indian. There is Amazon, it's not Indian. There are, of course, other platforms, but AltBalaji is the most original platform for content to cater to every kind of an audience, not just an Uber upper class audience. So I think
it's a great, great move and it's a great, great time for AltBalaji, especially jis tarike ka wo log content present kar rahe hain. There is Haq Se, there is Bose, there is Ragini. So, ab dekhiye platter pura bhara hua hai. There are different genres happening. Tell me what audience will not get hooked on. Ek ye type ka show mere liye hai, ye type ka show aapke liye hai, ye type ka show unke liye hai. So, I think it's a great move and it has immense amount of scope in the times to come. Right. So how was the experience and have you seen any changes in Rajeev? Oh, when I did Kahi To Hoga with him, Rajeev used to treat me like a teenager because I was a teenager. You are a teenager. Because I was a teenager. And of course, I couldn't speak to him the way I speak to him now. You know how it is when kids grow up. I mean, I don't mean to say that he's a parent, but I just mean when kids grow older, your feeling of that gap reduces. So when you cross a certain age, that gap reduces, and that's what happened. Me and Rajeev talk differently now than from what we Rajeev used to. Rajeev ji to, hey Rajeev. No, that time also I used to call him Rajeev only. He was cool, yeah. Every girl had a crush on him then, every girl has a crush on him now. Where has he changed? He looks the same. Same, that's also true. So, but he's a great guy and he's a great co-actor to work with. He's very, very collaborative. Very generous as an actor, very giving as an actor. And you know, sometimes main aise awkward feel karti thi ki main Rajeev ko kuch agar, you know, ek apni taraf se ek input, ek suggestion about his own line I used to give him, and so well he used to take it. So that's the beauty about being collaborative as actors. And Ken had a very, very big role to play in that, because most of us were like this. Am I right? 100%. Most of us were like this. Yeah. Why most of us? No. Correct. One of the actors from Bollywood, you have performed in all three platforms, serials, movie, then web series. So do you think any difference between all three genres? I haven't done television, so I don't know how to answer the question. See, as an actor, camera on hoga, exactly. Aap ye wala camera on kijiye, ye wala cam on rakhi, camera on kijiye, 5D kijiye, iPhone kijiye, Samsung kijiye, Alexa kijiye, koi farak nahi hai. It's the genre that makes you do your job differently, not the medium. So there is absolutely no difference, chahe wo ek short film ho, chahe wo feature ho, chahe wo digital ho, chahe wo television, content pe depend karta. And that goes to say a lot about the commitment of the actors. And so I've had the chance to work with lots of actors. I'm going to say something nice about you. Damn. Okay. So, ek hota hai, in acting, there's what I like to call the... I can still hear you. I can't help it. Let me hear something nice. For actors, there's I like to call it, there's the art and the craft. The art is something which is talent. Okay. I think you may learn it, but you'll never truly get it unless you're born with it. And then there's a craft, which is the technique of acting. Sometimes I met actors who've got the art, but not the craft. Some who've got the craft very well, but they just don't work. There's an actress who has got both the art and the craft down of acting to a T, and that is this girl. Thank you. Sitting thank next you. To you. Thank you. Do you have some reasons why you made Haq Se a web series instead of? Okay, I had no. Yeah. I came into the project much later. It was a ready bound script. Half the casting had been done. I think my only contribution to the casting was Surveen. Are you serious? Really? Yes. You know, like I say, Ekta has given me my first paycheck to actually go to that school called Balaji to learn. I will never forget that, and I say this to her whether we're chatting on message, and we never had a fallout. It was just that we lost touch, and sometimes that happens. But in my heart, there is deepest gratitude for the brave woman, because I think I was atrocious in front of the camera in my test, and she gave me work in three. I was 3 days old in Bombay,
and I got my first job when I had no background, no workshop done, no theater school, nothing. I didn't know anything about acting. I was virgin as an actor. So raw. मतलब मेरा accent भी पंजाबी होता था. अरे क्या कर रहे हो? ऐसे करके मैं बात करती थी, you know. I don't know what she saw in me, that she gave me such a break and then got my role to become parallel. And so I only and only have gratitude for her. And when this came and when Ken told me and then finally when Ekta finalized everything, oh my God, I cannot tell you, there was nostalgia. Matlab, you know, old time memories thi aur ek working in that environment aapki aankhon ke samne aa gaya. And the best part is that Ekta has the same drive and passion today. There is no bias towards one particular project or another project, chahe wo TV ho, chahe wo film ho. She's driven and passionate about every single thing that she does, which is commendable. So to work with her obviously is a pleasure, and she has not changed a bit. You know, there is success and accomplishment and achievement for somebody like her. You're bound to change as a person. It takes a lot, and it takes a lot of effort to keep yourself here. She is here, and she's just passionate about nothing else but her work. I think सबसे पहली बात, क्योंकि ये एक इंडियन ओरिजिनल, इंडिया का ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है, द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू इज फोकस ऑन इंडियन कॉन्टेंट एंड अबाउट कॉन्टेंट मेड इन आर लैंग्वेज. ऑल दैट कैन हैपन लेटर. जब नेटफ्लिक्स ने शुरुआत करी थी, उन्होंने सिर्फ अपना कॉन्टेंट प्रमोट किया था, अपनी लैंग्वेज में प्रमोट किया था. एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बिकम. आई रियली रियली विश एंड होप दैट ऑल्ट tomorrow in the near future reaches and becomes as big worldwide, which it will if they keep going the way they are going, and they're on a roll right now with the content that they're giving, that tomorrow people come to them and say, please, we want our work to be on your platform. So I think it's fair. I think एक overall मैसेज ये है हम लोगों के लिए. एक्चुअली जो आपने बात कही, ये कहना बहुत आसान है क्योंकि हम एक ऐसी अर्बन सोसाइटी में रहते हैं. कश्मीर के लिए ये वो बात होगी कि आप अपने घर में रहते हैं, लेकिन आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए पूछना पड़ता है किसी और से. आपका खुद का घर है, आपकी खुद की मिट्टी है, आपकी खुद की ज़मीन है, लेकिन आपके पास परमिशन या राइट नहीं है या हक नहीं है अपने हिसाब से अपने घर को चलाने का. तो आई फील दैट फर्स्टली इज़ वेरी वेरी अनफेयर. ये कहना आसान है कि लड़कियों को खुल के बात करनी चाहिए, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसकी शुरुआत अभी हुई है. एक वोल्केनो होता है ना, अगर उससे लावा निकलता जाए धीरे धीरे तो शायद वो कभी इरप्ट नहीं होगा. हम उस वोल्केनो की बात कर रहे हैं जो दबता आ रहा है, तो एक ना एक दिन तो फूटेगा, इरप्ट तो होगा. लेकिन उसके लिए एट द सेम टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेटिंग द सोसाइटी एंड द मेन इन द सोसाइटी इज रिक्वायर्ड. आई अंडरस्टैंड समटाइम्स इन दिस होल फ्लैग बेयरिंग ऑफ फेमिनिज्म वुमेन ऑल्सो गो टू certain extremes, which is not correct. It should just be limited to equality and not vindictiveness towards women, towards men. That is one part of it. But for me, I don't know, I could be wrong. Education plays such an important part. Today, as a parent, you're educated. Tomorrow, you're going to bring up your child like that and give them the upbringing that is going to make them the kind of boys or men who will tomorrow make sure they don't do what is being done to women today. So there is not one point that I can. Can you think of something? It's not only about education. It's more than education. It's awareness, because there are a lot of educated people who are very regressive. Correct. Sometimes they go backwards.
तो आई थिंक इट्स मोर देन एजुकेशन, इट्स अबाउट एक्सपोजर टू टू व्हाट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अबाउट, बीइंग एबल टू इनकल्केट द गुड क्वालिटीज फ्रॉम देयर एंड कीपिंग योर स्ट्रॉन्ग कोर वैल्यूज ऑल्सो. Yeah, I haven't read the novel. Yeah, Ken has read the novel. I haven't read the novel. So, Sana, who are those women you are talking about? From which society they belong to? You are talking that they are being suppressed and they are not allowed to just. From every society globally, not just in our country. Because we were talking about Haq Se, so I was talking about Kashmir, but these are not Kashmir-centric issues or India-related issues. These are world-over issues. There is pay discrimination world-over. There is oppression of women world-over. What else? Every society in some way or the other is misogynistic, let's face it. Yeah. It is, to some extent. It is patriarchal. Okay, so Surveen ji. आखिर ये कि केन जी से भी हमने पूछा कि इसके अलावा फरवरी में जो है पीएम मोदी का बजट आना है, कुछ उम्मीदें होती है, कुछ एक्सपेक्टेशन होती है फिल्म इंडस्ट्री? मुझे अच्छी फीलिंग है बहुत इस बार प्राइम मिनिस्टर के बजट की, पता नहीं क्यों पर अच्छी फीलिंग है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कुछ चाहती है? यार टैक्सेस कम कर दो यार प्लीज यार मोदी सर इफ यू आर लिसनिंग टैक्सेस कम कर दो प्लीज. आप कितने बजे आए थे आज यहाँ पे? क्या देखा आपने तब से लेके अब तक? बहुत वाहियात एटमॉस्फेयर था ना, राइट? वाहियात वाली मस्ती हो रही थी ना? ओहो, तो मतलब आपने कुछ देखा ही नहीं है. तो वहां पे पूरा दिन हम लोग सेट पे एंटरटेन होते थे, एंटरटेन करते थे, और बीच में जब वक्त मिलता था तो थोड़ी शूटिंग करते थे. Alt Balaji pe this February, Haq Se will be streaming at some point in February. Dekhna na bhuliye Haq Se, kyunki aapka haq banta hai Haq Se jaise show ko dekhne ka. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.